हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम 2013। यह पेपर उत्तराखंड का है, यानी यह यूटेट फर्स्ट का पेपर है। इस पेपर से संबंधित कुछ वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी है, जिनमें से बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान का वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। साथ ही हमने भाषा प्रथम हिंदी और भाषा प्रथम अंग्रेजी का वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। इसके साथ साथ हमने भाषा द्वितीय हिंदी और भाषा द्वितीय अंग्रेजी का वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और आज हम भाषा द्वितीय संस्कृत से संबंधित भाग पर चर्चा करेंगे, जो कि 30 नंबर का है। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाषा द्वितीय संस्कृत। यह पेपर उनके लिए उपयोगी होगा जो यू टैट, सी टैट या किसी भी टैट एग्ज़ाम में द्वितीय भाषा या प्रथम भाषा संस्कृत को चुनते हैं, तो यह पेपर उनके लिए ज़रूर लाभकारी होगा। देखते हैं, इसमें सबसे पहला सवाल है, अगस्त्य शब्द का प्रत्यय, इसका जो सही आंसर है वह है लप्य। भवनम शब्दे संधि विच्छेद की भवति, इसका जो सही आंसर होगा वह है भो प्लस अनम। मधु अरि अस्मिन शब्दे का संधि, इसमें जो संधि है वह है यण संधि। चंद्रशेखरा शब्दे समास विग्रह कुरियत, इसका जो समास विग्रह होगा वह है ए, यानी चंद्रा शेखरे यस्य स। अश्व तीव्र धावती, वाक्य तीव्रम व्याकरण वेदेन किम, इसका जो सही आंसर है वह है सी, क्रिया विशेषणम। 66 से 69 तक गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दे। तो आप इस छोटे से गद्यांश को पढ़िए और फिर उसके आंसर देने की कोशिश करें, हम आपको केवल आंसर बताएंगे। विवेकानंदा कुत्र अटितवान, इसका जो सही आंसर है वह है संपूर्ण देशम। वना का गतवान, तो इसका सही आंसर है विवेकानंदा। विवेकानंदा वने के अनुगता वानरा, इसका आंसर वानरा सही है। विवेकानंदा की श्रुतवान, उन्होंने क्या सुना था, हास्य शब्दम। शुद्ध वाक्यम चिनुयत, शुद्ध वाक्य है ते पाठम पठन्ति। अशुद्ध वाक्यम चिनुत, जिसमें अशुद्ध वाक्य है वह है सा कंदुके कीडति। रिक्त स्थाना पूरियत बालका डैश विभेति, यहाँ पे आएगा सर पात। वर्तनी भेदेन शुद्धम शब्द चिनुयत, इसका जो सही आंसर है वह है सी, शुश्रूषा। नपुसक लिंगा शब्दा चुनियत, तो जो नपुसक लिंग है वह है वारी। मार्तंड अस्य शब्दस्य समानार्थकम् चुनियत, तो मार्तंड का जो समानार्थी शब्द है वह है अंशुमाली। रुच्यार्थाना प्रियमणा दैश समाचीना विकल्पम रिक्त स्थाने पूरियत, जो सही आंसर है वह है सी, चतुर्थी। अर्चनी शब्दे प्रत्याका, इसमें जो सही आंसर है वह है अनियर। श्लोका पठित्वा, यानी श्लोक को पढ़ करके 78 से 80 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छोटा सा श्लोक है, साधो धन किमर्थ भवति, इसका जो सही आंसर है वह है ए, दानाय। खलस्य विद्या किमर्थ भवति, इसका जो सही आंसर है वह है विवादाय। खलस्य शक्ति किमर्थ जायते, इसका जो सही आंसर है वह है परिपीडनाय। रिक्त स्थान पूरिय दैश पुत्रवत वृक्षाम तारयन्ति परत्र च, इसका सही आंसर है मानवम। कादंबरी ग्रंथस्य रचनाकारा का, कादंबरी के जो रचनाकार है वह है बाण भट्ट।
किरात अर्जुनीयम काव्यस्य रचयिता का आसीत्, इसके जो रचयिता है वो है भारवी। सापादेन भंजा अस्मिन् वाक्ये तृतीया विभक्ति प्रयोगस्य नियमा निर्देशना कुरुयत्, इसका जो सही आंसर है वह है पी, येनांग विकारा। किमिव ही मधुराणा मंडनम न कुर्तीनाम सुक्ते आशय निरूपियत, इसका जो सही आंसर है वह है ए। निम्नांकितेषु का शब्दा स्त्रीलिंग अस्ति, इसमें स्त्रीलिंग है वाच, को शब्दा पुलिंगा नास्ति, इसमें मधु पुलिंग शब्द नहीं है। लाभे धातुश्य पुरुषवचनम च निरूपयत, जो सही आंसर है वह है उत्तम पुरुष एकवचन। भगवान इतस्य शब्दा भगवान इतस्य शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम की भवति, जो सही आंसर है वह है बी भगवते। शब्दस्य आदो अगस्तस्य ये पदानि अर्थवैशिष्ट्या अर्थ परिवर्तनम वा कुर्वन्ति कथ्यते, इसका सही आंसर है ए उपसर्ग। तो दोस्तों संस्कृत का यह भाग यहीं समाप्त होता है। इसमें अगर कहीं उच्चारण में कहीं हमसे कोई त्रुटि हो तो इसे आप जरूर सही करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पेपर के अन्य वीडियो भी आप जरूर देखें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होंगे। मिलते हैं इस पेपर के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।